अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में, और हम लोग इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो हम लोग इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, फैक्टर अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और सेकेंड नेम इनका है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, हम लोग इनको बोलते हैं। दीज आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज एंड ऑफ एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड एन इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इनका दूसरा नाम है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। कहते हैं ऐसी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान प्रोड्यूस होती हैं, यानी पहले एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है, वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लोग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो रिपल्शन कॉज बाई द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सपोज रिपेल होता है अगर, तो रिपेल होकर ये अवे चला जाएगा, अवे मूव करेगा, सो देर विल बी अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस वन एंड एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एंड, दिस वुड बिकम एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड फॉर एन इंस्टेंट, तो whenever this instantaneous dipole will be produced, it will produce another dipole. ये साथ वाले molecule पर polarity induce कर देता है, तो instantaneous dipole और साथ वाला molecule induced dipole बन जाता है। इस तरह इसका partial negative end और इसके partial positive end एक दूसरे को attract कर लेते हैं। This force of attraction will be called as instantaneous dipole, induced dipole forces of attraction or London dispersion forces. This is momentary, short-lived force that vanishes as quickly as it is formed for a very short interval produce होती है, क्योंकि ये जो instantaneous dipole जैसे ही बनता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है, ये microsecond के लिए, picosecond के लिए बन रहा होता है। But this force extends and holds when molecules are close to each other and are more polarizable. मतलब ये forces of attraction बहुत short-lived हैं, बहुत कम टाइम के लिए प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर। लाइक अगर वन मोल की बात भी करें तो 6.02 × 10³ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से मिलियंस बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो हर वक्त इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन मॉलिक्यूल, हीलियम, हाइड्रोजन, एक्चुअली साइंटिस्ट एक्सप्लेन करना ये चाह रहे थे कि ये जो नॉन पोलर गैसेज हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, तो लिक्विड बनती हैं, तो इसका मतलब है इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती हैं। तो ये जो नॉन पोलर गैसेज जब लिक्विड बनती हैं तो इनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आती हैं वो कहाँ से आती हैं, तो वो कहता है एक्चुअली इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। इनको एक जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्ज लैंडन ने 1930 में एक्सप्लेन किया था कि दीज आर द फोर्सेज विच आर द ओनली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली ओनली फोर्सेज हैं। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है, अ टेम्पोरेरी डाइपोल क्रिएटेड इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नेबरिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोगों ने बोला है कि ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इस नेबरिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, रिपल्शन की वजह से, ये मॉलिक्यूल फॉर एन इंस्टेंट डाइपोल बन जाता है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इंड्यूस डाइपोल कौन सा है, अ डाइपोल क्रिएटेड इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टेम्परेरी और एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज कॉल्ड इंड्यूस डाइपोल।
टेम्परेरी डाइपोल या इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब फॉर अ स्मॉल टाइम नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी प्रोड्यूस कर देता है तो दैट नेबरिंग मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस डाइपोल। तो इंडक्शन असल में वो फिनोमेना है जो किसी कॉज की वजह से होता है, ये कॉज है, इट इज़ एन इफेक्ट। जब तक ये कॉज इसके पास रहेगा ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, इंडक्शन होती है। जैसे कॉज को हटा दें ये इंडक्शन ख़त्म हो जाती है। तो जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है तो वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस कर लेता है। इस तरह इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, हीलियम गैस की एग्जाम्पल उसने ली है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम कम क्लोज टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम दे पुश अवे फॉर्म ईच अदर। कहता है जब फॉर एग्जाम्पल गैस की फॉर्म में है, जब हीलियम या कोई भी गैशियस फॉर्म नॉन पोलर गैशियस मॉलिक्यूल, जब तक तो वो अवे हैं एक दूसरे से मॉलिक्यूल, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन जब हम लोग उनको करीब लेकर आते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंसेस कम होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। इसी रिपल्शन की वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनते हैं। नो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम्स नो मोर रिमेन सिमेट्रिकल, इट हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड एंड द अदर देन द अदर एंड हीलियम एटम बिकम्स अ मोमेंट्री डाइपोल कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। वो कहता है जब इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को पुश करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को पुश करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, एटम के किसी एक हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे हिस्से पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये एक इंस्टेंट के लिए आने वाला पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उस मॉलिक्यूल को इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना देता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल डिस्टर्ब करता है नियर बाई एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को भी। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में बोला है कि जब यहाँ इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है तो ये फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है। कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पार्शियल पॉजिटिव एंड की तरफ बेंड हो जाता है और ये एक इंड्यूस डाइपोल बन जाता है। और दीज डाइपोल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है लंडन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वेदर पोलर और नॉन पोलर बट आर वेरी सिग्निफिकेंट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोरीन हीलियम नियॉन ऑर्गन एट्सेट्रा। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें तो सिर्फ और सिर्फ यही वाली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में कोई दूसरी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो सकती हैं, ये वाली डोमिनेंट नहीं होती, बट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल दीज आर द डोमिनेंट फोर्सेज। फैक्टर अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आता है डिफाइन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। तो मेन फैक्टर एक्चुअली पोलराइजेबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू बी पोलराइज्ड, यानी पोलर बनने की एबिलिटी किसी मॉलिक्यूल की। इट इज़ द क्वान्टिटेटिव मैयर ऑफ एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज और डिस्टॉर्टेड और डिस्पर्स्ड। एक्चुअली पोलराइजेबिलिटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच इट्स इलेक्ट्रॉन आर डिस्टॉर्टेड डिस्पर्स्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्पर्शन का क्वान्टिटेटिव मैयरमेंट को हम लोग पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, यानी किसी एटम का जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा डिस्पर्स होगा और उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी जनरेट होगी। पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज उतनी ज़्यादा होंगी। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अ लार्ज साइज्ड एटम्स हैव अ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अभी हमने ऊपर बात की कि जितना लार्ज साइज्ड एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाएगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट इट्स आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई एंड बिकम लूजली बाउंड। जितना ज़्यादा साइज होगा एटम का उतना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टेंस ज़्यादा होगा,
इट मीन्स कि उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होंगे न्यूक्लियस के साथ, हैंस डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम्स मोर एंड मोर इजी। चूँकि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बाहर फैला हुआ है तो जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा उतनी डिस्पर्शन उसकी आसान होती जाएगी। एज अ रिजल्ट एटम बिकम मोर पोलर एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर क्रिएटेड बिटवीन सच एटम्स एंड हैंस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह जब डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिस्पर्शन ईजी होगी, पोलैरिटी ज़्यादा इंड्यूस होगी, एटम ज़्यादा पोलर बनेंगे, जितने ज़्यादा पोलर बनेंगे उतने इंस्टेंटेनियस डाइपोल ज़्यादा बनेंगे, जितने इंस्टेंटेनियस डाइपोल ज़्यादा बनेंगे इंड्यूस डाइपोल ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी और इस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते जाएंगे सब्सटेंसेस के। ग्रेटर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी एंड स्ट्रोंगर विल बी द लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। ये पॉइंट याद रखना है, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उतनी डिस्पर्शन ज़्यादा होगी, जितनी डिस्पर्शन ज़्यादा होगी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी। अब उसी पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं, एग्जांपल दी हुई है कि नोबल गैसेज हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन रेडॉन, ऊपर से नीचे इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। इंक्रीज होने की क्या वजह है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यहाँ 10 का है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन और 54, मतलब टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना बढ़ेगा साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेज बढ़ती चली जाएगी। द सेम इज़ विद दैट ऑफ द हेलोजन। अगर फ्लोरीन F2 की बात करें तो F2 गैशियस फॉर्म में, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी ऊपर से नीचे इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। और इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीजेज, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। ये देखें जैसे -188.1 से ये प्लस में होना है, +184 तक बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज, यहाँ प्लस लिखना है आपने, ये भी प्लस है तो प्लस में आएगा। तो साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होता है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ती जाती हैं। क्वेश्चन आता है यूजली वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज इंक्रीजेज डॉन द ग्रुप। ये नोबल गैसेज के लिए एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक कि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज होता है उतनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी बढ़ती है, पोलराइजिबिलिटी बढ़ने से ऑटोमेटिकली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इंक्रीज होती चली जाती हैं। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, इसको एटॉमिसिटी का नाम भी देते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेज बढ़ेगी, वही मतलब सेम चीज़ है। यहाँ हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे होगा क्या, उनकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेज बढ़ती जाएगी। व्हेन नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज चेन लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड व्हेन एवर दिस चेन लेंथ बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर अ नंबर ऑफ पोलर साइड्स इंक्रीजेज वेयर द मॉलिक्यूल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर, एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेज आर क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल ये हेक्सेन है, 1, 2, 3 हेप्टेन, सॉरी 7 कार्बन की चेन है, इस अगेन अ चेन ऑफ 7 कार्बन, तो इनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है लॉन्ग चेन होने की वजह से, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ जिपर। तो जिपर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसके दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अगर इथेन की बात करते हैं तो इसमें ये पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन चेन लेंथ कम होने की वजह से कम है, तो सो इनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हेप्टेन के अंदर है। यहाँ एग्जांपल दी है उसने कि इथेन और हेक्सेन के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है, हेक्सेन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 68.7 है। तो रीज़न क्या है कि लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल्स में पोलराइज्ड साइड्स ज़्यादा होती हैं,
और उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन मोर देन वन पोजीशंस पर, यानी बहुत ज़्यादा पोजीशंस के ऊपर इंटरेक्शन होते हैं। सो इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज ज़्यादा होती हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स ट्रेंड चेंजेस फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड, यानी पहले अगर यहाँ तक ब्यूटेन तक बात करें तो दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पेंटेन हेक्सेन से लेकर C17 कार्बन नंबर 17 तक ये लिक्विड बन जाते हैं। 17 कार्बन से अगर और ज़्यादा कार्बन एटम हो जाएं तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है, वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मैसेज। ये आपने इसका आंसर, ये पैराग्राफ है यहाँ तक। मोलर मैसेज बढ़ने से जैसे मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता है, चेन लेंथ बढ़ती है, मॉलिक्यूल ज़्यादा लॉन्गर होते जाते हैं, पोलर साइड्स बढ़ती हैं, इंट्रैक्शन बढ़ते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इथेन इज गैशियस वाइल हेक्सेन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वाई। तो ये वाला पैराग्राफ आपने लिखना है कि इथेन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, हेक्सेन का ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि हेक्सेन की चेन लेंथ ज़्यादा है, इस तरह से चेन बना दें, उसके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं हेक्सेन में एज़ कम्पेयर टू इथेन। सो हेक्सेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इथेन। ये कुछ MCQs हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट हैं आपने याद रखने। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर ओनली फोर्सेज अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हीलियम में। अगर हीलियम भी लिक्विड हो तो तब ये भी ठीक है, वाटर में ये नहीं होती लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, और HCl में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं। सो द ओनली ऑप्शन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। लंडन फोर्सेज कैन बी प्रेजेंट इन पोलर में, नॉन पोलर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नॉन पोलर में प्रोमिनेंट होती हैं, पोलर में लिटिल बिट लेस होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज आर डोमिनेटिंग इन किस पेयर में या किन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। हे यू हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेज एसीटोन के अंदर होती हैं, इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। लंडन फोर्सेज आर डोमिनेटिंग इन इसमें सबसे ज़्यादा 818 कार्बन 818 में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, बी और सी लिखा है, बल्कि दोनों में यही पोलर हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बी और सी दोनों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। विच वन इज़ अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन, हेक्सेन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी तीनों गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको फर्दर लेक्चर्स इसके ऊपर मिलते रहेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं। तो इसको बेल आइकॉन को भी बेशक प्रेस कर दें और साथ साथ इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।